तो सात प्रकार के प्रज्ञा क्या क्या है भाष्य में विस्तार से कहा, उसको हम संक्षेप में बताते हैं कौन कौन होता है। पहले वाली प्रज्ञा है परिज्ञात नाम की, परिज्ञात प्रज्ञा माने हेयस्य सम्यक् ज्ञानात् तद्विषयाः प्रज्ञायाः निवृत्तिः इत्येतत् रूपख्याति। ये विवेक ख्याति की ही स्थिति है। उनको होता है कि हे ये जितने भी है क्या है दुख, उसको सम्यक ज्ञान से निवृत्त कर दिया, अभी दुख है ही नहीं। दुख को सम्यक ज्ञान से निवृत्त किया, ये विवेक ख्याति में प्रज्ञा उदित हो गई। दूसरे वाले प्रज्ञा है क्षेत्रव्या विषयाः प्रज्ञाया या निवृत्ति तस्याः उपलब्धि। तो क्षेत्रव्या में मतलब जितने अभी क्षय करना चाहिए उनके सबकी निवृत्ति हो गई, मतलब जिन किनके क्षय करना चाहिए था, जो अविद्या आदि क्लेशों का क्षय करना चाहिए था उन सबका क्षय हो गया। यानी अभी तो उन किसी को क्षय करने की आवश्यकता नहीं है, ये बुद्धि आ गई। और निरोध अधिगमात परगति विषयाया प्रज्ञाया समाप्ति। अभी स्थिति में उनको सम्यक प्रकार से निरोध प्राप्त हो गया। निरोध किसको कहेंगे? असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात में स्थित रहने वाली बुद्धि की जो स्थिति होती है वो निरोध स्थिति है, वो चित्त की भूमिका में बताया था। तो निरोध अधिगमात, अभी वो निरोध को उन्होंने पूरे तरह प्राप्त कर लिया, इसलिए वो परम गति विषय प्रज्ञा हमारे अंदर हो गया, अभी निरोध और करने की आवश्यकता नहीं। ये मतलब निरोध का जो फल था वो प्राप्त हो गया, अभी निरोध की आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में पहुंचने पर निरोध और करने की आवश्यकता उनको नहीं है, ये बुद्धि आती। ये तीसरी प्रांत भूमि है। और चतुर्थी प्रांत भूमि है भावितः निष्पादितो विवेकख्यादिरूपो हानोपायः न पुनर्भावनीयम् अन्यदस्तीति प्रज्ञायाः प्रांतः। चतुर्थ में ये होता है कि विवेक ख्यादि हमको प्राप्त करना था अविप्लव रूप से, तो अविप्लव रूप से विवेक ख्यादि को हमने प्राप्त किया, वो विवेक ख्यादि हमको हो गई, अभी न पुनर्भावनीयम और विवेक ख्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। ये विचार देखिए, ये सब बहुत अंदर नहीं है इन विचारों में, एक ही विचार है वो कृतार्थ हो गया, ये बोलना है। एक ही शब्द में बोला जाएगा तो कृतार्थ हो गया, किंतु वो कृतार्थता किस किस दृष्टि से लेना है। साधन करते समय हमको बहुत कुछ चाहिए था, मुझे ये करना है वो करना है, ऐसे साधन करना है, समाधि प्रज्ञा प्राप्त करनी है, निरोध प्राप्त करना इत्यादि बुद्धि थी, तो वो सारे उनके निवृत्त हो गए, ये बोलना चाहते। ये चतुर्थ हो गया। इन चारों को ये कहते हैं कार्य चतुष्टयी कार्या विमुक्ति ही प्रज्ञाया। इन चारों को कार्य प्रज्ञा कहते हैं। कार्य प्रज्ञा मतलब ये एक प्रयत्न विशेष से उत्पन्न होने वाले, ये चार प्रकार की प्रज्ञा जो विचार उनके मन में अभी आया विवेक ख्यादि की स्थिति में, ये प्रयत्न विशेष से उत्पन्न होने वाले, इसीलिए उसको कार्य कहा भाष्य में, चतुष्टयी कार्या विमुक्ति। यहां ध्यान रखना, फिर यह मैं बोल रहा हूं, ये असंप्रज्ञात नहीं है। असंप्रज्ञात में प्रयत्न विशेष कुछ भी नहीं होता है। असंप्रज्ञात में प्रयत्न रहेगा तो असंप्रज्ञात सिद्ध नहीं होगा, इसीलिए उस असंप्रज्ञात की दृष्टि से इसको नहीं समझना है। यहाँ विवेक ख्यादि है, बुद्धि उस सत्व गुण के मुख्य रूप में प्रवृत्तित हो रही है, इसीलिए यह बुद्धि हो रही है, इसलिए वहां प्रयत्न तत्संबंधी प्रयत्न विशेष है। तो ये चार हो गया प्रयत्न विशेष से। अभी पांचवा और छठवा और सातवां यह सौदा होती है, यहां प्रयत्न भी समाप्त होता है। ये तीन और जो प्रांत भूमि है ये प्रयत्न का कार्य नहीं है, इसलिए आगे क्या कहते हैं, चित्त विमुक्तिस्तु त्रयी चरिता अधिकारा बुद्धि। आगे के जो है वो प्रयत्न के बिना स्वयं विमुक्ति की ओर ले जाने वाला, मतलब चित्त ही स्वयं अपने को
चरिताधिकार कर दे, स्वयं कर दे। वो पहले तो प्रयत्न से करने का था, अभी हम प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वहां जाकर के वो स्वयं ही निवृत्त हो जाएगी। तो स्वयं निवृत्त होने के लिए वहां प्रयत्न विशेष नहीं है, चरिता अधिकार होने से। अभी कोई कर्तव्य करना नहीं है तो वो अपने आप विमुख हो जाएगी। इसमें पहले प्रांत भूमि है मदीया बुद्धिर निष्पन्ना इत्यर्थोपलब्धि। ये मेरी जो बुद्धि है अब निष्पन्न हो गई, मतलब कार्य करके समाप्त हो गई। अब कार्य करने के लिए उसके पास कुछ नहीं, कार्य समाप्ति हो गई। तो इसलिए वो अपने स्थिति में, मन बुद्धि अपने स्थिति में ही रह जाती है। अभी पुरुषार्थ करके उनको दृश्य बना करके जो प्रवृत्ति हो रही थी संयोग के कारण, वो समाप्त होता है। तो वो संयोग को निवृत्त करने वाली बुद्धि भी यही है, विवेक ख्यादि में जिस बुद्धि में होती है वही बुद्धि निवृत्त करेगी। और उसके बाद जो छठवां अवस्था होती है उसको चित्त विमुक्ति नाम से ही इसको भी कहते हैं। ये पांचवा भी चित्त विमुक्ति है और छठवा भी चित्त विमुक्ति। बुद्धेर गुणाः सुगाद्याः स्वकारणे बुद्धौ प्रलयाभिमुखाः तेन कारणेन चित्तेन सह अस्तं गच्छन्ति। यहां देखे क्या हो रहा है, यहां ये सुख को भी नहीं मान रहा है। अभी तक सुख का सुखाकार वृत्ति हो रही थी, जैसे बुद्धि चरितार्थ अधिकार हो जाती है उस सुखादि कारण को, सुखादि वृत्तियों को भी विमुख कर देती है। बुद्धे गुण की समाप्ति और सुखादि वृत्तियों को वो अपने आप स्व अपने कारण में प्रलय कर देती है, लय कर देती है। तो उसी में अंदर की दो स्थित कर देता है, इसके बाद फिर सुखादि प्रत्यय नहीं होते। तो ये जो प्रांत भूमि है इसमें सुखादि प्रत्यय क्यों नहीं होता है, बोलते प्रयोजन अभावात। अभी उसका कोई प्रयोजन नहीं है, न चेषाम प्रविलीनानाम पुनरस्य उत्पादः प्रयोजन अभावात। आगे प्रयोजन नहीं है से फिर वहां सुखागार आदि वृत्ति नहीं रहेगी। जब तक आपने प्रयत्न विशेष से बुद्धि को लीन किया तब तक वो वापस आएगी, ये अंदर है, और स्वतः निवृत्त होने पर वो वापस नहीं आएगी। जो प्रलय को हम कहते हैं, प्रलय में जो स्वतः निवृत्ति होती है, स्वतः निवृत्ति वाले प्रलय को फिर आप वापस नहीं ला सकते। आतंक प्रलय में होता है स्वतः निवृत्त होकर के, जब कार्य करना होगा तब बाद में आएंगे, किंतु यहाँ चरिताधिकार होने से फिर वो स्वतः निवृत्त प्रवृत्त नहीं होता, निवृत्त ही रहता, स्वतः प्राप्त होती है। इसलिए वो अभी सुगादि आकार आदि कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्वकारण में लीन हो गया। सुगादि प्रयत्न करने के लिए उसको कार्य रूप से कारण काम करना था, वो अभी नहीं कर रहा, साम्यावस्था में पहुंच रहा है। अंतिम भूमि में जो सातवां भूमि है इसमें सप्तम्यां प्रांत प्रज्ञायां पुरुषो गुण संबंधादीतत्वादि स्वभावः इति ईदृश ख्यादिम अचित्तं भवति। ये सातवां भूमि में वो गुणातीत का अनुभव करता है, मैं गुणातीत हूँ, गुणातीत का अनुभव करता है। वो भी कौन, ये निवृत्तमान चित्त अंतिम में वो वृत्ति छोड़ देती है। ये कह रहे हैं कि प्रांत प्रज्ञा जो सातवें है उसमें गुण संबंध अधीतत्वादि स्वभाव, गुण संबंध आदि से अधीतादि स्वभाव उसको मालूम पड़ता है, जिसको गीता में गुणाधीत शब्द से कहा, वहां उस अध्याय में पढ़ने से ये प्रक्रिया आपको समझ में आएगी। और तब क्या है, यदि ईदृश मतलब गुणाधीतत्व वृत्ति बनाने वाले चित्त वास्तव में अचित्तम भवति, उसके बाद वो चित्त अचित्त रूप में चला जाता, क्योंकि दृश्यत्व कार्य तो जितने भी उसका था वो समाप्त हो गया, फिर उसको उत्पत्ति करने के लिए उसमें कारण नहीं है। ये सात प्रकार के प्रांत भूमि है, और तब जो है पुरुष के अपने स्वरूप में स्थित होता है। इसी को कठोपनिषद में गीता में सब जगह कहा, पुरुषात् न परम किंचित साकाष्ठा सा परागति। अब वो पुरुष के अपने स्वरूप में रहता है तो इसमें यही परम काष्ठा है, परास्थिति है, इससे अधिक और आगे निवृत्त होने के लिए कुछ नहीं है। इस स्थिति में रहने वाले जो योगी को, योगी का नाम है क्या है,
सप्त भूमियां प्रांत भूमि प्रज्ञा अनुपश्यन पुरुषः कुशलः इत्याख्यायत। कुशल नाम से इनको कहा जाता है, ये शब्द का प्रयोग करते। प्रतिप्रसवो भी चित्तस्य मुक्तः कुशलः इत्येव भवति गुणादित्वात्। अभी इसका और प्रलय भी नहीं है, क्योंकि प्रलय तो इसका हो रखा है, अभी कोई महाप्रलय आदि भी इसको नहीं है। तो प्रलय भी प्रतिप्रसवो भी न चित्तस्य भवति, यह प्रतिप्रसव भी नहीं होता है, तो इसलिए वो कुशल के स्थिति में रहता है, क्योंकि वो गुणादित होता है। ना असंप्रज्ञात नहीं है, असंप्रज्ञात में आप कभी भी वृत्ति के सहारे से वहां लय नहीं करते, वृत्ति को आप छोड़ छोड़ करके लय करते। यहां जो स्थिति हो रहा है वृत्ति के सहारे से हो रहा है, और ये जो वृत्तियां जो सात भूमि बोली, ये निरंतर चित्त में उस धर्म बने रहने के कारण वो आवृत्ति नहीं करता, क्योंकि वो गुणातीत की स्थिति में होगा, गुण का कार्य उसमें संभव नहीं है। तो अभी केवल चित्त का ही अनुभव कर रहे हैं, केवल चित्त का मात्र अनुभव करना उस दृष्टि से देखा जाए तो असंप्रज्ञात में भी तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थान का, किंतु वहां ये विवेक ख्याति के बिना था, चित्तवृत्ति मात्र का निरोध होने से वहां वो अनुभव हुआ था। यहाँ चित्तवृत्ति का जो निरोध है वो विवेक ख्याति सहित होने से यहाँ पुनः उसका प्रकट होना नहीं, असंप्रज्ञात में पुनः जरूर आए, क्योंकि संस्कार शेषो अन्य का विराम प्रत्यय संस्कार शेषो अन्य का, तो संस्कार शेष रहने के कारण वो पुनः उसमें उत्पत्ति होती है और वो दग्ध बीज नहीं हुआ। बहुत सारे भेद है, एक नहीं अनेक भेद है, तो इसीलिए ये वापस नहीं आएगा, वो वापस आएगा। असंप्रज्ञात के फल रूप से प्रगति लय यद्यपि प्राप्त होता है तो भी फिर उसको उत्पत्ति माना गया। इस प्रकार से दोनों में अंतर हो। तो बोला कि बहुत बढ़िया है, इस स्थिति में इसके बारे में चिंतन करें तो बहुत अच्छा होता है, समाधि लग जाती है। बोलते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी जिनका शरीर भी स्थिर नहीं है, इंद्रियां भी स्थिर नहीं है, प्राण भी स्थिर नहीं है, मन भी स्थिर नहीं है, बुद्धि भी स्थिर नहीं है, चित्त भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, ऐसा बहुत सारे अधिकारी है, मंदाधिकारी। शरीर जहां कहता है वहां कार्य होता है, शरीर जहां नहीं कहता वहां कार्य नहीं होता। शरीर को जो अनुकूल है उससे ही जीवन चलाना जानते हैं, मन को जो अनुकूल है उससे ही जीवन चलाना जानते हैं, इंद्रियों को जो अनुकूल है उसी को ही वो अपना जीवन समझता है, ऐसे बहुत सारे हैं। इनका कुछ होगा नहीं होगा, इनका कुछ आने आगे होने वाला है नहीं है। तो सिद्धि तो ये हो गई, अब वो सिद्धि तो उपाय के बिना नहीं प्राप्त होगा ऐसे स्थिति में रहने वाले की। इसलिए जो मंद अधिकारी है, केवल जिज्ञासु मात्र है, बाकी उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं, उसको किन किन आचरणों को करने पर पहले शरीर आदि से लेकर के जो इस बुद्धि सत्व की स्थिति है इसके बीच में जहां जहां जो जो स्थितियां प्राप्त होना है, संयम करना है, वैराग्य चाहिए, अभ्यास चाहिए, समाधि चाहिए, सवितर्क चाहिए, निर्वितर्क चाहिए, ये सब करके उस स्थिति में पहुंचने के लिए उनको क्या क्या और करना है, बोलता है ये एक कैटेगरी अलग ही है। ये बोलेगी इनको जो कुछ होता है कुछ विशेष स्थिति में होता है, क्योंकि ये मंद अधिकारी होने के कारण इसके पास पूर्व अनुभव मतलब पूर्व संस्कार कम है। मंद अधिकारी का अर्थ पूर्व संस्कार कम, यही समझ लो। तीव्र संवेगानाम आसन्नः का, इसको तीव्र संवेग बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये जो अधिकारी, तो ऐसे अधिकारी बहुत है, मतलब 90% क्या है, 99% वही है। जो बैठे हुए हैं सब साधन है करके समझते हैं, सब कुछ होता है, ठीक से बैठना, ठीक से करना, मन को संयत करना, विषयों को संयत करना, बाह्य व्यवहार को संयत करना, कुछ नहीं आता है, फिर समाधि लगाना चाहता है तो क्या होगा, नहीं होगा। इसीलिए उनको पहले संयमित करने से, व्यवहार से लेकर उनका बाह्य व्यवहार से पहले काम शुरू होता है, पहले स्नान दान आदि से काम शुरू होगा, वहां से लेके उसको
बदलते जाना पड़े, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। लोग बोलते हैं इधर जो चार बार ऐसे ऊपर नीचे प्राणायाम कर लो, फिर क्या क्या होता है, पर के क्या क्या नाटक करते हैं, इससे जो है समाधि लग जाती है, पता नहीं उसका क्या क्या होता है, फिर कुछ दिन में ही सिद्ध हो जाता है, महीने में सिद्ध हो जाता है, बहुत आसान है। यदि इतना आसान होता तो ये महर्षि पतंजलि को और व्यास जी को और हमारे परंपरा में आए हुए इतने बड़े बुद्धिमान योगियों को ये सब कष्ट उठाना क्यों पड़ता है, ये सब मूर्ख है। इतने आसानी से यहाँ हो रहा है और आप वहां इतने लंबे चौड़े जन्म जन्म की बात कर रहे हैं, अब यहां तक इतने जानकार, मतलब उस समय के आगे पीछे भविष्य के जितने योग साधन है सारे योग साधनों को एक साथ जानने वाला एक व्यक्ति हमारे पास था, भगवान श्री कृष्ण, जो योगिराज योगी में श्रेष्ठ थे। उन्होंने भी ये कहा, अनेक जन्म संसिद्धा तदो यागी पदानुगति, यद्यपि कहा तपसिभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो भी मदो अधिका कर्मिभ्यश्च अधिको, ये सब कहा, फिर भी उन्होंने अनेक जन्म को उन्होंने भी माना है, जो आगे भूत और भविष्य वर्तमान सारे साधन को सब कुछ जानने वाले हैं, तो उन्होंने इतना माना। और यहां हमारे लोग कहते हैं ना, ये तो उनको भी गलत हो गया, उन्होंने ये पता नहीं लगाया, हम जब गुफा में बैठे ध्यान किए तो ऐसा आ गया, तो भड़ाक आ गया और ये तो मैंने देखा कि यही सबसे उत्तम है, और घंटों में ज्ञान हो जाता। तो ये ऐसा होता है, इसीलिए लोग शॉर्टकट करना चाहते हैं, और सभी चीज में शॉर्टकट करने की जो क्या बोलते हमारे मन की वासना है ये दृढ़ हो चुकी है, हम लॉन्ग जाना सीधा रास्ते में साफ रास्ते में क्रमशः जाना नहीं चाहते, और त्याग तो हम चाहते नहीं, बिना त्याग से जो होगा वो चाहते, घर छोड़ना नहीं चाहते, घर के विषय को संबंध छोड़ना नहीं चाहते, आसक्ति छोड़ना नहीं चाहते, व्यवहार छोड़ना नहीं चाहते, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते और ज्ञान प्राप्त करना चाहते। ये तो रोग निवृत्ति के लिए दवाई खा रहे हैं, उसके साथ उसका विरुद्ध भोजन कर रहे हैं, तो क्या स्थिति होती है, वैसे स्थिति होती, वो कभी नहीं सुधर सकते। और इतना सब छोड़िए, कम से कम अपने आप समझ रहे उसको मान लीजिए, किंतु ये कहते हैं कि पुराने सारे गलत हैं, बाकी तो सहन करना था, चलो भाई तुम्हारे अपनी रास्ता है, नमस्कार करके छोड़ सकते थे, किंतु ये जब कहते हैं कि पुराने जितने भी हैं वो सब गलत हैं, उनके पास बेकार का टाइम था, व्यर्थ समय था, इसलिए वो बिताते गए, हमारे पास व्यर्थ समय नहीं है, हम तो सब कुछ साथ में करना चाहते हैं, इसीलिए हम ये इनके रास्ते पर नहीं चलेंगे, क्योंकि ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, ये नहीं हमारे पास, हम तो शॉर्टकट में करना चाहते हैं। तो शॉर्टकट बताने वाले को चमत्कारी समझने लग गया, शॉर्टकट बताने वाले के लिए ही आजकल स्थान है, वो लंबा चौड़ा बताने वाले के लिए नहीं, क्योंकि ये तो भगवान से भी आगे हैं, पतंजलि से भी आगे हैं, सबसे आगे हैं, क्योंकि इन्होंने सब इनके समय की बर्बाद किया, लोगों का भी समय बर्बाद किया और सबको इतना बोल के डरा दिया। अब ये कहते, ये भी कहते, इतना बोल के डरा दिया कि तुमको जन्म जन्म में ही होगा, आजकल होने वाला नहीं है, तो लोग उदास हो जाते, बोलता है ऐसे उदास होने से लोग साधन छोड़ देते, नहीं करते, क्या क्या उपदेश बोलते, इसीलिए ये सब नहीं है हमारे पास, सीधा है, ये तो हमने पता लगाया, पतंजलि जी को शायद उसका भाग्य नहीं था तो उन्होंने इतना साधन नहीं किया, पता नहीं लग पाया, हमने पता लगाया तो यही शॉर्टकट है, इसलिए ये चक्कर में जाने वाले इसलिए है क्योंकि हम अपने जो मल है दोष है इसके क्रमशः निवृत्ति करने के लिए समर्थ नहीं है, इसके लिए हम तैयार नहीं है, बाकी सब व्यवहार हम बहुत कुशलता से करेंगे और उसकी कुशलता से उसको व्यवहार करने में अपने महत्व भी मानता है, मैं इतना बढ़िया व्यवहार करता हूं। अरे यदि साधु है साधक है तो वो बढ़िया व्यवहार करता है तो उसका कुछ प्रॉब्लम है, वो साधु साधक नहीं हो सकता, क्योंकि विरक्ति भाव और व्यवहार की कुशलता दोनों साथ साथ नहीं चलते, या अभी तक कोई दृष्टांत ऐसा नहीं मिला, क्योंकि दोनों में अंतर है। जब चाणक्य को पूछा था, चाणक्य अपने गुरुकुल छोड़ करके वो चंद्रगुप्त को राजा बनाने के चक्कर में और महांत को निकालने के चक्कर में चले गए,
इतने बड़े गुरुकुल चलाते थे, वहां बहुत शास्त्रों का अध्ययन होता था, बहुत बड़ा जो है कार्य कर रहे थे, बहुत प्रसिद्ध आचार्य था नालंदा का। तो सभी ने पूछा, आप राजनीति करें तो भले करें, कोई बात नहीं, व्यवहार करें तो करें, इसमें क्या, आप अपने स्वाध्याय को भी बनाए रखना चाहिए था, वो भी तो जो गुरुकुल आप चला रहे थे, गुरुकुल को क्यों बंद कराया। उन्होंने बोला, ये नहीं चलेगा, गुरुकुल तो मेरी मादा है, मादा के समान है, और ये जो मैं कह रहा हूं ये वेश्या के समान है। ऐसा बोला उन्होंने, उनका वाक्य ही ऐसा है, ये दोनों हम साथ में नहीं मिला सकते। जब मैं वेश्या के साथ व्यवहार कर रहा हूं तो व्यवहार है ये, इसमें तो सब कुछ ना करना पड़ेगा, और मैं वहां गुरुकुल चलाऊंगा तो दोनों साथ कैसे चलेंगे, इसलिए इसको मैं छोड़ूंगा जब, तभी मैं गुरुकुल चलाऊंगा, और मेरे का उद्देश्य है इसको हटाना और चंद्रगुप्त को राजा बनाना, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। वो जब बनेगा तब मैं सब छोड़ूंगा, और किया भी ऐसे उन्होंने, पूरे अपने इस विरक्ति भाव में इतना साफ सुथरा रहते हुए सब कार्य उन्होंने कर दिया। उसके बाद में जब वो हो गया तो उसी को बनाया जो महांदगज मंत्री था राक्षस, हाँ उसको ही मंत्री नियुक्त कराया, वो उतनी राजनीति करके उसको विश्वास दिलाया कि मैं इस उद्देश्य से किया हूँ, तुमको परेशान करने के उद्देश्य नहीं किया। फिर बाद में वही से जंगल पे चले गए और जंगल में एकांत रहने लगे और वहां बाढ़ लगा दिया, किसी को अंदर प्रवेश नहीं। तो ये है स्थिति, इसीलिए कोई ऐसा सोचते हैं कि हम ये भी चलाएंगे, वो भी चलाएंगे, ऐसा भी करेंगे, वैसा भी करेंगे, ये तो उनको ना ये होगा ना वो होगा, ये बिल्कुल भ्रमित हो जाएंगे और मन में एक प्रकार की कापट्य बुद्धि आ जाएगी, चालाकी पन आ जाएगी, जिसको हम हिंदी में चालाकी बोलते हैं। ये चालाकी साधक के योग्य गुण नहीं है, साधक के योग्य गुण सीधा ऋजुत्व है। भगवान ने इसलिए ऋजुत्व को सबसे पहले कहा, कोई भी साधक चालाकी से आज तक सिद्धि प्राप्त नहीं किया, ऋजुत्व से ही प्राप्त होगा, इसलिए ऋजुत्व को अपनाइए। आपको ऋजुत्व व्यवहार करने पर जो दोष आएगा उस दोष का निवारण भगवान करेंगे, आप ऋजुत्व से व्यवहार कीजिए, आपको कोई कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, आपके साधन ठीक चले। यदि आपने चालाकी किया एक बार भी, चालाकी मतलब असत्य है, झूठ है, इसमें कोई संशय नहीं, चालाकी करने का अधिकार साधक को नहीं है, वो राजा महाराजाओं को है, जो राजनीति करते हैं उनका अपना अधिकार है, वो करते हैं, साधक को चालाकी करके कुशल व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये सब ये क्यों आ रहा है, हम इसमें ये सब चालाकी क्यों करना चाहता है, क्योंकि हम जहां से शुरू करके जिसके निवारण क्रमबद्ध करके आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए हम तैयार नहीं है। इसलिए अब बोलते हैं ऐसे साधक किस प्रकार आचरण करें, किस प्रकार व्यवहार करें, किस प्रकार वो व्यवहार करने पर आगे बढ़ सकता है, सामान्य स्थिति से ऊपर उठ करके आगे की एकाग्रता स्थिति अन्य वृत्तियों को कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके लिए यहाँ अष्टांग योग का उपदेश देना है। तो पहले अष्टांग योग का उपदेश के लिए उसका मैंने फल बताते हैं कि अष्टांग योग करने से क्या फल होगा, किस क्रम से वो प्राप्त करेगा विवेक ख्याति। योगांगानुष्ठानाद अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेक ख्याते योग अंग अनुष्ठानात्। ये देखिए ये सारे योग के अंग है, योगस्य अंगानि योगांगानि तेषां अनुष्ठानात् योगांग अनुष्ठानात्। ये योग नहीं है, योग का अंग है। ये क्यों कह रहा हूं, योग का अर्थ पहले क्या किया था है? क्या चित्तवृत्ति निरोध है, हाँ योग समाधि ही, इसलिए संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दोनों योग है का, योग चित्तवृत्ति निरोध ये भी है, किंतु चित्तवृत्ति निरोध क्या है वहां असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात, सर्व शब्द का प्रयोग नहीं करने से संप्रज्ञात को भी लेना है कहा था। तो योग माने समाधि ही,
वो समाधि का प्रकार वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमान से संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दो बताए, और उसके क्रम से जो प्राप्त नहीं कर सकता उसके लिए क्रिया योग बताया, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि बताया, और उसके द्वारा वो क्लेश तनुकरण करेगा, वो क्लेश तनुकरण के बाद उसको क्या है, वो वृत्तियों को निरोध के द्वारा अन्य स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ये सब कहा था दो अलग अलग अधिकारी के। अब ये जो है योग अंग का अनुष्ठान, यहां भी समाधि आएंगे, यहां भी समाधि आपको दिखाई पड़ेगा, किंतु ये वो समाधि नहीं है, उस समाधि से कुछ अलग है। यदि ये वो समाधि ही होते तो यहां भी वो योगश्चित्तवृत्ति निरोध का ही अनुवाद करने वाला था, दोनों में थोड़ा अंतर है क्योंकि इसके अधिकारी अंदर में, और ये वो समाधि भी वो समाधि कैवल्य के विवेक ख्याति के पूर्व स्थिति में पहुंचने की स्थिति है असंप्रज्ञात समाधि, किंतु ये समाधि उसका अंग है, योगांग है। यहां भी व्याख्याकारों में बहुत भ्रम हुआ है, ये आगे पीछे इसमें भी संशय करते हैं, वहां भी समाधि का कुछ लक्षण कहा, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म लक्षण और विवेचन किया, और यहां भी आकर के स्वरूप शून्य व समाधि बोलता है। ये अंदर करना बड़ा मुश्किल होता है, किंतु शब्द में ही देखिए, शब्द में अपने आप कहा ये योग अंग है, इन सबको करने से आपका वो योग पूरा हो जाएगा। अंग होता है अंगी सहित, यहां अंगी क्या है, योग है, और अंग ये बताने वाले आठ, उनके अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय होगा, क्लेश तनुकरणार्थ समाधि भावनार्थश्च, ये बोला था, क्लेश का तनुकरण होगा वहां, वही कार्य यहां भी होगा। योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का मतलब यहां कहा था क्या है, क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ही अशुद्धि है, इनका क्षय होगा, और क्लेश तनुकरणार्थ का भी वही फल है, इसीलिए एक ही फल का दो बताया, इसका मतलब दो दो अधिकारी के लिए, इसमें कोई संशय है ही नहीं, वहां जो बताया वही इधर भी बता रहे हैं, तो उसका अनुवाद कर देना चाहिए था, जैसा वहां बता वैसा करो, नहीं बोला, इसीलिए अशुद्धि क्षय, ये क्लेश आदि अशुद्धि का क्षय होंगे, और बाद में प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति आदि वृत्तियों का क्षय होगा, और अक्लिष्ट वृत्तियों के द्वारा आप आगे साधन करते रहेंगे, और बाद में सवितर्क आदि समाधियां उस स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे, और बाद में असंप्रज्ञात प्राप्त होगा। वो इसीलिए इतना लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस है, आपको जो ठोस जो पदार्थ है, घड़ है, ऐसे ठोस पदार्थ से उसका प्रकृति के साम्यावस्था जो सूक्ष्मतम स्थिति है, अलिंग पर्यवसानम जिसको कहा था, वो अलिंग पर्यवसान तक जाना है, ये कोई छोटा क्रम नहीं है। जो स्थूल में घड़ को घड़ रूप में ही देख सकता है, उसको अभी वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना है। अभी जो रोटी खाता है उसमें रोटी का स्वाद ही वो ले सकता है, रोटी का बाकी आगे पीछे सोच नहीं सकता, उस व्यक्ति को उसको सोच लाना पड़ेगा, उस सोच के बाद उसके ऊपर क्या क्या कारण है, वहां से लेकर के रोटी जहां उत्पन्न नहीं होता वहां तक जाना, तो क्या होगा उसका। रोटी तो खा रहा है, उतना खाने के हजम करने जानता है, और कुछ नहीं जानता। उस व्यक्ति को वो रोटी उत्पन्न ही नहीं होता है, रोटी का कारण परम कारण तो साम्यावस्था गुण है, रोटी दिखाई नहीं पड़ेगा, गुण मात्र दिखाई पड़ेगा, वो भी गुण के साम्यावस्था दिखाई पड़ेगा, तो वो रोटी को कैसे मान सकते, समय कितना लगेगा, इसलिए वो समय परिधि नहीं रखते। और जो कुछ सिद्धि आदि फल होने वाला है इस अधिकारी को होगा, ये समझना, सिद्धि यदि चाहते हैं तो आपको मंद अधिकारी के हिसाब से चलना पड़ेगा, मध्यम अधिकारी को भी नहीं है, वो जो पहले वाला अधिकारी को भी आगे बोलने वाले विभूति प्राप्त नहीं होंगी, ये सारे इसी के खेल के अंतर्गत है, अष्टांग के अंतर्गत है। तब होगा ज्ञान दीप्ति ही, अशुद्धि क्षय होने के बाद, ये देखना, अशुद्धि क्षय होना ही सीमा है, उसके बाद एकदम आप बदल जाएंगे। अशुद्धि क्षय को आपने कैसा भी कर दिया तो ज्ञान दीप्ति प्रज्ञा की प्राप्ति होगी, ज्ञान स्थिर हो जाएगा,
और ये ज्ञान स्थिर होने पर अविवेक ख्याते है। वो कब तक स्थिर रहेगा, वो ज्ञान की वृद्धि कैसे होते रहेगी, वो विवेक ख्याति पर्यंत जाएगी। विवेक ख्याति प्राप्त होने तक वो सम्यक ज्ञान पर्यंत तक आपको वो ले जाएगा। इस प्रकार से फिर आप सम्यक ज्ञान से बाकी स्थिति जो बताए वो होगा। ये योगांग अनुष्ठान का ये बहुत मुख्य सूत्र है। ये सूत्र को और ये योगांगों को बाद में करने के बाद एक सूत्र आएगा। इन दोनों सूत्रों को जो सम्यक प्रकार से विचार करता है कभी भी उनको इसमें संशय नहीं हो सकता किसके लिए वो योगांग बोल रहा है। लेकिन कितना स्पष्ट उन्होंने कहा, ये योगांग जो है आगे आठ अंग बताएंगे, ये आठ अंग ही योगांग है। बोलते हैं ये योगांग किस प्रकार कारण है, ये मुख्य अंश भाष्य में इसको मैं बता रहा हूं। कारण कई प्रकार का होता है, हमने कई कारण को जान चुका है। क्या कारण है, एक तो उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है, एक सहकारी कारण होता है, इस प्रकार कारण होते हैं। अब बोलता है, आपने बोला योगांग अनुष्ठानात, अनुष्ठानात जो पंचमी आप भेदु में कारण में लगाया, योगांग के अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय होगा और ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति है कहा। तो ये दोनों योगांग अनुष्ठान को हेतु बना के आप कर रहे हैं, तो ये योगांग अनुष्ठान किस प्रकार उसके लिए कारण है, क्योंकि हम तो शास्त्र वेता है, विद्वान है, हम कई कारण जानते, तो किस प्रकार इसको कारण माना जाए। उपादान कारण माने क्या, उपादान कारण करना नहीं होगा। निमित्त कारण माने क्या, वो भी नहीं होगा। तो निमित्त कारण होगा तो भी वो किस प्रकार कार्य करेगा, इसको स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। उपादान कारण तो ये है नहीं, क्योंकि उपादान कारण तो सबका प्रकृति है। हमारे यहां ईश्वर है उपादान कारण, तो वहां प्रकृति है क्या, तो ये योगांग अनुष्ठान का उपादान कारण तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप कारण क्या है बोलिए, तब कहते हैं जैसे ये जो योगांग अनुष्ठान आप करते जाते हैं ना, यहां ज्ञान दीप्ति का, तो ज्ञान दीप्ति मतलब ज्ञान का प्रकाश होगा। यहां प्रज्ञा शब्द प्रयोग कर सकते थे, प्रज्ञा शब्द होता है, प्रज्ञा हो जाती है, ऐसा कह सकते थे, क्यों नहीं कहा उन्होंने। देखिए ये दीप्ति शब्द और ज्ञान शब्द मतलब ऐसे ऐसे में हम जाएंगे तो बहुत लंबा होता है और उसके अंदर वो भेद को आपको ध्यान में रखना कठिन भी होता है, फिर भी ये कहीं कहीं बताना आवश्यक है। यहां सूत्रकार प्रज्ञा शब्द प्रयोग कर सकते थे, जिसे अभी हम प्रखर ज्ञान, निश्चय ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान, जिसको प्रज्ञा का वो उनको प्राप्त होता कह सकते, किंतु वो शब्द प्रयोग नहीं किया। उस शब्द के जगह पर उन्होंने ज्ञान दीप्ति का, दीप्ति का अर्थ प्रकाश होता है। प्रकाश है जैसे स्फटिक में स्वच्छता, जैसे स्वच्छता की वृद्धि जैसे होती रहेगी, मालिन्य जैसे हटते जाएगा, स्फटिक का प्रकाश में अंदर पड़ेगा, स्फटिक का प्रकाश स्पष्ट होते जाएगा। इसमें यह प्रोसेस है, ज्ञान दीप्ति का मतलब ज्ञान प्रकाश का वो प्रक्रिया यहां क्रमबद्ध है, इसलिए इसको प्रज्ञा नहीं कह सकता। प्रज्ञा में क्रमबद्ध नहीं है, प्रज्ञा तो स्थिर है, वो स्पष्ट होता है, वो हो गया तब यह प्रज्ञा है। यहां ज्ञान दीप्ति हो रहा है, दीप्ति होने का मतलब आप अशुद्धि को जैसा जैसा क्षय करते जाएंगे वैसे वैसे वो शुद्ध होते जाएगा, जैसे शुद्ध होता जाएगा उसमें वो प्रतिस्पूरण होते जाएगा, इसीलिए इसको ज्ञान दीप्ति शब्द से कहा। वो प्रतिस्पूरण कहां तक होगा, अविवेक ख्याति, देखिए कैसे वो जोड़ रहे, क्योंकि इनके जो मनोविज्ञान है बिल्कुल सही है, इनके विचार में कहीं भी अस्पष्टता आपको नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं। वो इतने बड़े मनोवैज्ञानिक है, घुमा फिरा के बोलना इनके विचार में नहीं है, वो साफ बताता है। अभी ज्ञान दीप्ति भी कहा, फिर अविवेक ख्याति भी कहा, और विवेक ख्याति तक छोड़ देता है, फिर विवेक ख्याति के बाद की पहले की बात आपको कह दिया। विवेक ख्याति हानोपाय है और उसी से उनको हो जाएगा, फिर तस्य प्रांत भूमि भी सप्तदा प्रांत भूमि भी आएगी, इसलिए वहां आपको संशय नहीं, वहां स्पष्टीकरण हो गया। अब ये वहां तक कैसे होता है, इसमें एक चेंज है, जैसे आपका मलक्षय होगा वैसे आपको वो प्राप्ति हो जाएगी, इसीलिए ये धीरे हो रहा है, क्योंकि अधिकारी बहुत मंद है, ये बार बार इसको साफ करते रहेगा, फिर
कचरा पड़ेगा, फिर साफ करेगा, फिर कचरा पड़ेगा, ऐसे होता रहता है। इसलिए धीरे धीरे ही होगा, ये प्रोसेस को मन में रख करके वो बोल रहे हैं कि ज्ञान दीप्ति आविवेग ख्याति। इसके ज्ञान होने के बाद भी प्रोसेस फिर लंबा चलेगा। इसमें कई लोग आए और आवृत्ति करते हैं, दार्शनिकों का आवृत्ति ये है कि ज्ञान दीप्ति में वृद्धि ह्रास कैसे हो सकता है, ये संशय करते हैं। किंतु यहाँ वृद्धि ह्रास होगा, यहाँ जो सकृत होने वाला ज्ञान के विषय में नहीं कह रहा है, यहाँ वृद्धि ह्रास संबंधित ज्ञान के विषय में कह रहा है जो साधन के अधीन है। और ये प्रतिबिंबित न्याय से कह रहे, यहाँ चित्त है वस्तु और उसका उदाहरण है मणि, इसलिए उसमें जैसे स्वच्छता वृद्धि को प्राप्त होंगे वैसे ज्ञान की वृद्धि प्राप्त होगी। इसलिए भाष्यकार यह कहते हैं यथा क्षीयते तथा तथा क्रम क्षय क्रम अनुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीप्तिर विवर्धते। बहुत सुंदर कह रहे हैं कि जैसे जैसे अशुद्धि तनुत्व को प्राप्त करेगा इन साधनों का अनुष्ठान से, वैसे वैसे आपको क्रमबद्ध ढंग से अविद्या आदि पंच क्लेश धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। इसमें सबसे अंतिम में नष्ट होने वाला अविद्या होती है वो विवेक ख्याति से होता है, बाकी पहले पहले राग द्वेष आदि निवृत्त होते जाते। सा खलु एषा विवृद्धि, ये विवृद्धि मतलब ये वृद्धि होते होते प्रकर्षम अनुभवती, प्रकर्षता को प्राप्त करेगा, उसके सीमांत तक जाएगा, कहाँ अविवेक ख्याति, विवेक ख्याति तक। विवेक ख्याति में क्या होगा, गुण पुरुष स्वरूप विज्ञान आदित्यर्थ, वो गुण पुरुष स्वरूप विज्ञान के विवेक ख्याति जो पहला बताया सत्व पुरुष अन्यता ख्याति वहां तक जाएगी। तब अब पूछता है कि योगांग अनुष्ठान अशुद्धे कारणम, कहा कैसे कारण है, बोलता है योगांग अनुष्ठान अशुद्धे वियोग कारणम यथा परशु छेद्यस्य विवेक ख्यातेस्तु प्राप्ति कारणम यथा धर्म सुखस्य। योगांग अनुष्ठान दो प्रकार से कारण है, एक तो वियोग कारण है, किसका वियोग करेगा, ये अशुद्धि का वियोग करेगा। जैसे परशु कुठार से आप किसी लकड़ी आदि को फाड़ेंगे तो दोनों का अलग कर देता है, अशुद्धि को अलग कर देगा और शुद्धि को अलग कर देगा। ये विवेक ख्याति, मतलब विवेक ख्याति नहीं वियोग कारण, अशुद्धि आदि से वियोग कर देगा, ये योगांग अनुष्ठान से होता है। दूसरा ये दूसरा कारण ये प्राप्ति कारण भी है, इसलिए उपादान कारण से यह मतलब नहीं। ये दो कारण है योगांग अनुष्ठान, वियोग कारण अशुद्धि का वियोग करे, प्राप्ति कारण किसके प्राप्ति कारण है, ये है कैवल्य के नहीं, हाँ इधर नहीं, विवेक ख्याति का ही प्राप्ति कारण है। विवेक ख्याति पर्यंत छोड़ देता है, विवेक ख्याति पर्यंत छोड़ रहा है, बाकी कैवल्य का प्राप्ति कारण नहीं है, फिर उसके बाद विवेक ख्याति ही कैवल्य का प्राप्ति कारण होगा। तो इसलिए बोल रहे प्राप्ति कारण यथा धर्म सुखत्य, जैसे धर्म होता है पुण्य होता है तो सुख का प्राप्ति कारण होता है, इसी प्रकार यहाँ प्राप्ति कारण है, ना अन्यथा कारण, अन्य प्रकार से कोई कारण को यहाँ लाना नहीं, उसको गुम जाएगा, वो जरूरत नहीं। कदी चेतानी कारणानि शास्त्रे भवन्ति, आप बोलिए हम तो जानते नहीं, आपको वियोग कारण प्राप्ति कारण दो बताए, कितने प्रकार के कारण कहे गए शास्त्र में, बोलते हैं एक श्लोक है उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति विकार प्रत्ययाप्तयः वियोगान्यथा वियोगान्यत्व हृदयः कारणम नवधा स्मृतम। शास्त्र में नौ प्रकार के कारण कहा, उत्पत्ति कारण, स्थिति कारण, अभिव्यक्ति कारण, कोई कोई उत्पत्ति का कारण बनता है उपादान आदि, कोई स्थिति का कारण बनता है, कोई अभिव्यक्ति का कारण बनता है, कोई विकार होने का कारण बनता है, कोई प्रत्यय का कारण बनता है, कोई वियोग का कारण बनता है, कोई अन्यत्व का कारण बनता है, और कोई धृति का कारण बनता है, धारण का कारण बनता है। इस प्रकार कारणम नौ प्रकार के हैं, ये कारण का नौ प्रकार क्या क्या है उदाहरण में बता दिया, आप लोग अपने पास व्याख्या है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आप अपने आप समझें सरल है। इस प्रकार अभी योगांग अनुष्ठान में लाना है और योगांग अनुष्ठान प्रारंभ करना है, तो योगांग अनुष्ठान दो प्रकार से हमको उपकार करेगा, एक तो अशुद्धि को क्षय करेगा, जो मंदाधिकारी है वो योगांग अनुष्ठान के बिना अशुद्धि को क्षय नहीं कर सकते, इसलिए हमने वो शॉर्टकट की बात कही, इसमें शॉर्टकट करने वाला नहीं हो सकता। कपड़ा गंदा हो गया तो उसको साफ करना ही पड़ेगा,
साफ नहीं किए हुआ कपड़ा साफ नहीं हो सकता, उसको धोना ही पड़ेगा, रगड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप फाड़ करके फेंको, ये हो सकता है, बाकी इसमें कोई और शॉर्टकट नहीं है। इसी प्रकार अशुद्धि जितने अंदर गहराई से बैठी हुई है उतने आपको समय लगेगा, इसलिए समय परिधि भी इसमें नहीं। अलग अलग व्यक्ति की अशुद्धि अलग अलग ढंग से है, सबके अशुद्धि एक प्रकार भी नहीं है। जिसको ज्यादा रूढ़ है, ज्यादा गहराई में है, उसको ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा रगड़ना पड़ेगा। पहले भाष्यकार ने एक बार एक दृष्टांत दिया था मल वस्त्र का, जो सामान्य मल होता है वस्त्र का, वो तो एक धोलने से पानी से साफ हो जाएगा, उससे अधिक वो ज्यादा है तो साबुन आदि लगाना पड़ेगा, और भी अधिक है तो विशेष प्रयत्न से ही होगा, वो बहुत समय उसका प्रयत्न रहेगा, कुछ रासायनिक पदार्थ यूज करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तब जाके होता है। इसलिए मल को समझना है कि कहाँ कितने गहराई में है, तो पहले पहले हम जो बाह्य बाह्य है उसको छोड़ें और फिर धीरे धीरे अंदर का पता चले। अभी सूत्र में योगांगों को कहते हैं जो प्रसिद्ध है, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि, समाधयः पर्यंत आठ अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टौ अंगानि, ये आठ अंग है। तो योगांग शब्द पहले प्रयोग किया, इसलिए अंग शब्द मात्र यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। वो योगांग अनुष्ठानाद पहले बोल दिया तो अंग शब्द कहने से अब अपने आप योगांग का कहते हैं, ये किसी और का अंग नहीं है, योग का ही अंग है। विवेक ख्याति का भी ये अंग नहीं, विवेक ख्याति योगांग अनुष्ठान के बाद होने वाले है, योगांग अनुष्ठान से ज्ञानदीप्ति, ज्ञानदीप्ति के बाद विवेक ख्याति, यहाँ अंगी योग है, समाधि योग यहाँ अंगी है और बाकी आगे हो जाएंगे। अभी कल से फिर हम इस पर विचार करेंगे, इसमें बहुत कुछ सुंदर बातें हैं कि कैसे कैसे हम इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। तो हमारे भारतीय जो जीवन शैली है अथवा आचार विचार है, जिसको हम संस्कृति कहते हैं, तो ये संस्कृति में किसी न किसी प्रकार से ये जितने भी बता रहे हैं ये जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्व ऋषियों ने ऐसा आचरण किया, उनको अनुसरण करके परंपरा से संस्कृति में आचरण करते आए, तो यो यम नियम आदि जो जो है बता रहे हैं, ये ऐसे जुड़ गए हैं हमारे नित्य जीवन के कार्यकलापों के साथ, किंतु हम उसको ठीक से पहचान नहीं पा रहे, और पहचानने पर भी ये क्यों किया जा रहा है ये हमको पता नहीं है। तो इसलिए इसका जो भी विचार होगा सामान्य रूप से करेंगे, तो भाष्य भी इसमें सरल है, अभी यहाँ जो मतलब सामान्य सब जानते हैं उस बात को बताने पर सरल ही होता है, तो जो नहीं जानते उसको बताने पर ही कठिन होता है, इसलिए भाष्य भी सरल है, आप व्यवहार में इसको समझ सकते हैं।